दोस्तों, इस वीडियो में हम ये चेक करना सीखेंगे कि महिला जो है प्रेग्नेंट है या नहीं, यानी कि गर्भवती है या नहीं। तो देखिए, इसके लिए आपके पास में एक ये प्रेगा न्यूज ये किट होना चाहिए। ये किट आप कहीं भी मेडिकल स्टोर से मंगा सकते हैं, ये 30 रुपये में मिलता है। तो मेरे पास दो है, मैंने दो मंगा लिया हुआ है। मैंने दो इसलिए मंगाया हुआ है क्योंकि एक को हम टेस्ट करेंगे पानी डाल के, और दूसरे में जो है महिला का यूरिन या फिर पेशाब को डाल के चेक करेंगे, क्योंकि इसमें जो गर्भवती महिला है उनका पेशाब को डाल के चेक किया जाता है। तो देखिए, ये मैं ले लिया हूँ, ये है गर्भवती महिला का यूरिन और ये है पानी। तो पहले हम पानी डाल के देखेंगे कि ये क्या रिजल्ट दिखाता है, और उसके बाद फिर ये जो यूरिन है उसको डालेंगे। तो ये जो किट है इसी के द्वारा प्रेगनेंसी को चेक किया जाता है और ये 100% सही बताता है। तो हमारे जो है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, इसको ओपन करिए, इसमें से निकालिए क्या क्या आता है। तो देखिए, ये एक किट आता है ये इस तरीके का, और इसी में यूरिन को डाला जाता है। इसके साथ में एक ये ड्रॉपर होता है, इसी से यूरिन को निकाला जाता है। तो इसको भी खोलिए। तो अभी मैं सबसे पहले इसमें जो है पानी डाल रहा हूँ, और देखते हैं कि पानी डालने से ये क्या रिजल्ट दिखाता है। तो ये रहा पानी, इसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और इस ड्रॉपर से पहले इसमें पानी डालेंगे। तो इसको इसमें करके और दबाना है ऐसे करके, तो पानी सोख लेता है। और इसके बाद इसमें डालना है, देखिए ये इसमें डालेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट दिखाएगा। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ, इसमें 6 बूंद डालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बूंद डाल दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाल टाइप का बन रहा है, और ये इसमें ही लकीर बनेगा। अगर एक लकीर बनेगा तो उसका मतलब ये होता है कि ये किट जो है सही रूप से काम कर रहा है, और दो लकीर बन गया तो फिर इसका मतलब कि महिला प्रेग्नेंट है। तो क्योंकि ये तो यूरिन है ही नहीं, ये तो पानी है, हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए डाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक लकीर बना हुआ है, आप देख सकते हैं एक लकीर बना है, यानी कि महिला प्रेग्नेंट नहीं है। तो क्योंकि ये तो यूरिन है ही नहीं, पानी है, तो अगर आप यूरिन भी डालेंगे और महिला प्रेग्नेंट नहीं रहेगी तो फिर ये एक ही लकीर बनेगा, जिस तरीके से हमें इसमें बना हुआ है। अगर हम यूरिन डालेंगे और वो महिला वाकई में प्रेग्नेंट होगी तो फिर यहाँ पे दो लकीर बन जाएगा। तो अभी हम प्रेग्नेंट महिला का यूरिन जो ये रखे हैं इसको डालेंगे। तो इस किट को अब हम हटा देते हैं, और दूसरा वाला जो किट है इसको अब हम लाते हैं, और इसमें अब हम यूरिन को डालेंगे, यानी कि पेशाब को डालेंगे, जो गर्भवती महिला है उनका पेशाब को डालेंगे। तो इसको मैं लेके इधर रखता हूँ, और 3 बूंद में ही ये रिजल्ट दिखा देता है, आप 6 बूंद भी डाल सकते हैं। तो देखिए, मैं अब इसमें से लेता हूँ, ये यूरिन है जो गर्भवती महिला है उनका यूरिन है। तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 6 बूंद, 3 बूंद ही डालेंगे, 3 बूंद में ही दिखा देता है, 3, चलिए मैंने 4 डाल दिया। अभी देखिए, अभी ये दिखाएगा, ये रिजल्ट दिखा देगा। इसमें देखिए, पहले ही एक लाइन बन गया, और फिर ये देखिए, ये दूसरा लाइन भी बन रहा है। तो ये आप इसको इधर में रखता हूँ, देखिए 2 लाइन बन गया, इसके मतलब कि 100% महिला जो है प्रेग्नेंट है, यानी कि गर्भवती है। आप देख सकते हैं इसमें 2 लाइन बन चुका है। तो आपके सामने मैंने इस वाले किट में पानी डाला था तो इसमें एक ही बना था, और इसमें जो है प्रेग्नेंट महिला का जो है यूरिन यानी कि पेशाब डाला हूँ, और देखिए 2 लाइन बन चुका है, यानी कि महिला 100% जो है प्रेग्नेंट है। अगर इसमें 3 लाइन बनता है तो फिर इसके मतलब ये होता है कि जो है जुड़वा बच्चा है,
लेकिन दो लाइन बना है यानी कि महिला प्रेग्नेंट है यानी कि गर्भवती है। तो ऐसा करके आप ये चेक कर सकते हैं। और इस किट को अगर आप मंगाना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप अमेजोन से भी मंगा सकते हैं या फिर आप अपने आसपास में मेडिकल स्टोर पर भी जाके मंगा सकते हैं। दूसरा बात ध्यान देने वाली ये होती है कि इसे हमें सुबह के टाइम ही करना चाहिए। तो मैं अभी जो है सुबह के 4 बजे मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाइम 4 बजे समय में मैं कर रहा हूँ। सुबह के समय ये खाली पेट करना चाहिए बिना कुछ खाए। देखिए 4:21 हो रहा है, तो इसको खाली पेट ही करना है सुबह के समय। और जो है ये प्रेगा न्यूज, इसको आप मंगा लेंगे या तो आप दुकान पे जाके मंगा लेंगे। ये इसी के अंदर ये वाला किट होता है, इसके अंदर एक ये ड्रॉपर होता है जिससे यूरिन को निकाल के डाला जाता है। और या तो आप ये दुकान से मंगा लेंगे, 30 रुपये का आता है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अमेजोन का लिंक दिया हूँ, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन जो है आप सिर्फ इसी के भरोसे ना रहें, आप चाहे तो अपने डॉक्टर से भी मिलके और उनसे भी टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें पॉजिटिव दिखा रहा है, प्रेग्नेंट दिखा रहा है और आप डॉक्टर के पास जाके चेक कराएंगे तो वहाँ भी प्रेग्नेंट ही दिखाएगा। ये हमने बहुत से केस में देखा है, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। अब देखिए बहुत से लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि इस टेस्ट को कौन से महीना में करना है, कब करना है। तो देखिए हर महीना जो है पीरियड आता है, और जब जिस महीना पीरियड न आवे तो आदमी को उसी महीना शंका होता है कि हो सकता है कि महिला जो है प्रेग्नेंट है क्योंकि पीरियड नहीं आया। तो उसी समय आप इस टेस्ट को कर सकते हैं। उदाहरण के लिए महिला को हर महीना 25 तारीख को पीरियड आ रहा है, 25, 24, 23, 22 इसके बीच में आ रहा है, लेकिन अगला महीना जो है 22 से लेकर 25 तारीख तक या फिर 30 तारीख तक पीरियड नहीं आया, तो ऐसा लगने लगता है कि शायद महिला प्रेग्नेंट है। तो आप उसी समय इसको टेस्ट कर सकते हैं या फिर उसके 10 दिन के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।